स्वर्ग में जाना है तो माँ के पैर दबा के सोएं, फिर चाहे माँ आपकी हो या आपके बच्चों की। मर्द आलू की तरह होता है दोस्तों, हर सब्जी के साथ सेट होने की कोशिश करता है। सुनो, क्या हुआ? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो एक सवाल का जवाब बताओ। पूछो। हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हम उसे चबा नहीं सकते। बेवकूफ औरत, उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि आप तुम ना मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ठीक है। हैवी कॉफी खाई और कॉडी बट खा हाय बको हाय बको हाय। बात कुछ समझ न पाए चमे का हमने पा। सुनो जी, नारी के कितने अवतार हैं? नारी के 9 अवतार हैं। लो सुनो, सुबह काम में व्यस्त हो तो अष्टभुजा, बच्चों को पढ़ाए तो सरस्वती, घर के खर्च में पैसा बचाए तो महालक्ष्मी, घर में खाना पकाए तो अन्नपूर्णा, घर की तकलीफ में खड़ी हो तो पार्वती, पोछा लगाते वक्त पति बोले तो दुर्गा, बाजार से पति कोई खराब चीज ले आए तो काली, पति भूल से अगर ससुराल की बुराई कर दे तो महिषासुर मर्दिनी, यदि पति भूल से पराई स्त्री की प्रशंसा कर दे तो रणचंडी। तो भैया खुश नसीब है शादीशुदा लोग जिन्हें घर बैठे ही माता जी के 9 अवतारों के दर्शन का लाभ मिलता रहता है, वो भी रोज रोज, और कभी कभी प्रसाद भी मिलता है। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? घर में जो फटी पुरानी चीजें हैं मैं उसे बाहर फेंक दूँ? एक काम कर साड़ी, मुझे भी बाहर फेंक दे उठा के। क्यों? साड़ी मेरी भी फटी पड़ी है तुझ जैसे चुड़ैल से शादी करने के बाद। हेलो, कस्टमर केयर में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपको क्या जानकारी दे सकती हूँ? मैम, मैं दारू वगैरह पीता नहीं, फिर भी आपका मैसेज आता है कि आपका पैक खत्म होने वाला है। सर वो पैक मतलब दारू नहीं, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। बाहर ना कर्जदार आए हुए हैं अपना कर्जा वापस मांगने के लिए, तू एक काम करना, जाके बाहर जाके बोल दे उनसे कि मैं घर पर नहीं हूँ, जा जल्दी जा। लेकिन आप तो बोलते हो जो झूठ बोलता है वो नरक में जाता है। अबे तभी तो तेरे को भेज रहा हूँ। अगर कोई मेहमान घर पे आए और बोले चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना वो ठंडा पीने के चक्कर में है। वैसे मार्केट में अफवाह है, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि मेरी आंखें रेखा से मिलती हैं। एक बात कहूँ, आपकी एक आंख दूसरी से बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, रेखा से कैसे मिलेगी? यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। मेरी सबसे बड़ी समस्या, लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे याद आता है ये बात तो मैंने बोली नहीं। हाँ।